hi everyone in this video we will understand how we can solve this type of set in this set we are given that five friends pawan jatin tarun sohan and varun wrote tca test which consists of four questions each question was from a different subject among math science hindi and english each question had four options that is a b c d out of which only one option was correct Further, each had a That is, चारों ही जो हमारे क्वेश्चन है उनके हमारे डिफरेंट ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे टू मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर दे आर नो नेगेटिव फॉर इन करेक्ट रिस्पॉन्स इच स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन दे गोट डिफरेंट टोटल स्कोर ओके तो देखिए जब जीरो

किसी एक का टू किसी एक का थ्री किसी, किसी एक के सभी आंसर करेक्ट होंगे हमारे पास चार क्वेश्चन है तो चारों में उसने डिफरेंट चॉइस मार्क की है नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर बिज तरुण एंड वरुण मार्क द सेम आंसर इज नॉट मोर देन टू जतिन सोहन एंड वरुण मार्ग ऑप्शन ए फॉर हिंदी क्वेश्चन जतिन

तो स्कोर की जगह हम यहां पे करेक्ट आंसर्स के थ्रू लिख लेते हैं ओके okay? मींस जतिन ने हमारे इतना पता है जतिन स्कोर वो लेस देन दैट ऑफ वरुण तो हम कह सकते हैं जतुन जतिन ने फोर आंसर तो करेक्टली अटेम्प्ट नहीं किए होंगे एक्सेप्ट फॉर सोहन ऑल मार्क्ड ऑप्शन सी फॉर साइंस क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर सोहन ऑल मार्क्ड आंसर सी फॉर साइंस क्वेश्चन तो यहां पे भी सी आ जाएगा तो यहां पे ए आ जाएगा ये हो गया सोहन गॉट द लीस्ट स्कोर ओके सोहन गॉट द लीस्ट स्कोर मीन जीरो अब एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको आप सोचना होगा ओके okay. सोहन के करेक्ट आंसर जीरो हैं पर किसी एक स्टूडेंट फ्रेंड के करेक्ट आंसर कितने होंगे फोर ओके किसी एक फ्रेंड के करेक्ट आंसर कितने होंगे okay. फोर तो देखिए सोहन तो वो पॉसिबल नहीं है तो इतना मुझे पता है जो भी वो पर्सन होगा उसका करेक्ट आंसर तो साइंस में भी होना चाहिए तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं साइंस का करेक्ट आंसर क्या है सी ओके क्योंकि अगर सी करेक्ट आंसर नहीं रहेगा तो हमें ये पर्सन मिस ये फ्रेंड नहीं मिलेगा जिसके चारों क्वेश्चन करेक्ट है एक्सेप्ट फॉर तरुण ऑल मार्क्ड ऑप्शन बिफोर इंग्लिश क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर तरुण ऑल मार्क् ऑप्शन बी फॉर इंग्लिश क्वेश्चन देखिए सोहन का मुझे पता है सोहन मार्क डिफरेंट चॉइस फॉर ईच क्वेश्चन तो यहां पे मार्क्ट चोसार्क करेगा और यहाँ पे वो डी मार्क करेगा ये हो गया हमारे पास ओके okay? अब देखिए सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए हमें क्या बोला गया है ईच क्वेश्चन है डिफरेंट आंसर ओके मीन्स जो पर्टिकुलर पर्सन जो पर्टिकुलर पर्सन हमारा होगा जिसके फोर करेक्ट आंसर होंगे उसके भी हम कह सकते हैं चारों ओके चारों रिस्पॉन्स और आप कह सकते हैं जो भी उसने option mark किया होगा वो चारों डिफरेंट होंगे ओके okay? क्योंकि तभी तो वो चार करेक्ट आंसर कर पाएगा तो देखिए वो कौन कौन पॉसिबल है इतना मैं यहां से कह सकता हूं कि जतिन तो पॉसिबल नहीं है ओके okay? जतिन तो पॉसिबल नहीं है तो जतिन नहीं हो सकता पॉसिबल ओके okay? Uh, जतिन इज नॉट पॉसिबल सोहन का हम पहले ही देख चुके हैं सोहन इज नॉट पॉसिबल तो अभी मेरे लिए पर बाकी केसेस रह गए हैं अब देखिए पवन को पवन को फोर आंसर करेक्ट करने के लिए मेरे को इतना पता है उसके चारों क्वेश्चन में उस, उसने भी यही किया होगा जैसे सोहन का है उसके चारों क्वेश्चन में उसने डिफरेंट चॉइस सेलेक्ट की होगी मार्क की होगी तो यहाँ पे ए होना चाहिए पर अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके okay? क्योंकि तभी तो इसके फोर क्वेश्चन करेक्ट होंगे और करेक्ट आंसर वो हो जाएगा तो सोहन का इसको जीरो नहीं रह पाएगा क्योंकि फिर वो एक आंसर करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएगा तो हम कह सकते हैं पवन भी पॉसिबल नहीं है ओके okay? तो अब हमारे पास दो फ्रेंड्स रहेगा या तो तरुण पॉसिबल है जिसके चारों आंसर करेक्ट है या तो वो वरुण है ओके okay? अब देखिए अगर वरुण के चारों आंसर करेक्ट हैं तो उसका ये आंसर भी करेक्ट होगा और आप देखिए ये आंसर करेक्ट होगा तो सोहन का आंसर भी करेक्ट किसके पॉसिबल होंगे तरुण के ओके तो तरुण का स्कोर मीन कितना होगा एट और उसके करेक्ट आंसर कितने होंगे फोर ये हो गया हमारे पास ओके हो गया आ, अब देखते हैं और क्या क्लू आ जाता है हमारे पास यहां से अब ये हो गया ठीक है इसका मेरा वन आंसर करेक्ट है ओके इसका मेरा वन आंसर करेक्ट है वरुण का मेरा वन आंसर करेक्ट है जतिन स्कोर वाज लेस देन दैट ऑफ वरुण अब यहां पे समझिए इतना मुझे पता है जीरो स्कोर कितना है जीरो किसने करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं सोहन ने तो जतिन का स्कोर तो वन हो सकता है मीन्स वन करेक्ट आंसर कर सकता है वो जतिन स्कोर वॉज लेस देन दैट ऑफ वरुण ओके तो इतना मैं कह सकता हूं कि वरुण वन करेक्ट आंसर नहीं देगा ओके वन करेक्ट आंसर मार्क नहीं करेगा वो आइदर टू या आइदर थ्री क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करेगा फिर से समझिए ध्यान से समझिए मुझे इतना पता है जतन स्कोर वॉज लेस देन दैट ऑफ वरुण ओके तो जतन अगर यहाँ पे आएगा तो वरुण यहाँ पे आएगा ओके okay? अब इतना मुझे पता है कि जतन वरुण यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि वरुण अगर यहाँ पे आएगा तो जतिन को पे पे आना पड़ेगा यहां पे मी जतिन के कितने आंसर्स करेक्ट होंगे जीरो जो कि देख सकते हैं हम सोहन के हैं ओके okay? तो ये पॉसिबल नहीं है तो इतना मुझे पता है ये कितने करेक्ट आंसर देगा ये मेरे एटलीस्ट या तो टू या तो थ्री अब यहां पे हमें समझना है ये आंसर और ये आंसर इसके ये दोनों इनकरेक्ट हैं क्योंकि अगर ये दोनों आंसर करेक्ट होंगे इसके दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश में तो सोहन का स्कोर भी जीरो से पॉजिटिव हो जाएगा ओके मीन सॉरी मीस प्लस जीरो हो जाएगा तो ये आंसर तो दोनों इसके इनकरेक्ट हैं सी इसका करेक्ट है तो अब पॉसिबिलिटी है कि उसके आंसर दो करेक्ट हो जाएंगे ओके okay? या तो हमें पता था या तो उसके आंसर कितने करेक्ट हो सकते हैं या तो टू या तो थ्री तो थ्री तो पॉसिबल नहीं है तो ओनली पॉसिबिलिटी तो जतिन के कितने करेक्ट रहेंगे ओनली वन और पवन के कितने करेक्ट रहेंगे थ्री ओके okay, ये अब हमें पता चल गया यहाँ से अब पवन के हमें थ्री लाना है अब देखिए पवन के थ्री किस तरह से पॉसिबल है इतना मुझे पता है कि यहाँ पे देखिए जो उसने इंग्लिश में बी मार्क किया है ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सोहन का ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा तो ये करेक्ट नहीं है तो उसके बाकी तीनों क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा डी ओके okay? क्योंकि तभी ये मैथ्स उसका करेक्ट है तो वहां पे डी होगा तो तरुण के यहाँ पे भी डी होगा ओके okay? अब यहां पे ए नहीं हो सकता क्योंकि ए यहां पे होगा तो यहाँ पे सोहन का आंसर करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बी और यहाँ पे क्या आएगा ए तो इसका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा ये क्या मार्क करेगा यहाँ पे बी तभी इसके थ्री क्वेश्चन करेक्ट होंगे अब जतिन का देखिए सिर्फ वन आंसर करेक्ट है मैथ्स उसका इनकरेक्ट है साइंस करेक्ट ओके हिंदी उसका इनकरेक्ट है इंग्लिश उसका इनकरेक्ट है तरुण के सभी आंसर करेक्ट होंगे तो डी सी बी ए और वरुण के दो आंसर करेक्ट होंगे तो उसका यहाँ पे डी आ जाएगा यहाँ पे सी आ जाएगा ए और बी इनकरेक्ट हैं सोहन का हम देख सकते हैं सभी आंसर इनकरेक्ट हैं तरुण के चारों आंसर करेक्ट हैं जतिन का वन आंसर करेक्ट है दैट इज ओनली साइंस बाकी सभी उसके इन करेक्ट है पवन के थ्री आंसर्स करेक्ट है दैट इज मैथ साइंस एंड हिंदी इंग्लिश में उसका आंसर इन करेक्ट है तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर हाउ मेनी मार्क्स डेड पवन स्कोर अब हमें यह बोला गया है कि हाउ मेनी मार्क्स डेड पवन स्कोर तो पवन कितने मार्क्स स्कोर करेगा देखिये Uh, हम यहाँ पे देख सकते हैं उसके करेक्ट आंसर कितने हैं थ्री तो मार्क्स कितना होगा हमें टू मार्क्स मिल रहे हैं हर करेक्ट आंसर पे तो कितना स्कोर हो जाएगा उसका सिक्स द करेक्ट आंसर फॉर हिंदी क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर हिंदी क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विच ऑप्शन डिड सोहन मार्क फॉर साइंस क्वेश्चन सोहन मार्क फॉर साइंस क्वेश्चन सोहन मार्क ऑप्शन नंबर डी फॉर साइंस क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क डिस्टिंक्ट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन डिस्टिंक्ट आंसर देखिए सोहन इज वन पॉसिबिलिटी ओके तरुण इज वन पॉसिबिलिटी जतिन का देखते हैं मैथ्स और हिंदी में ए एंड ए सेम है पवन का बी एंड बी सेम है एंड वरुण का आप देख सकते हैं डी सी ए बी चारों डिफरेंट है तो कितने ऐसे स्टूडेंट मिले हमें थ्री स्टूडेंट ओके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थ्री So guys, यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है काफी अच्छा सेट था इस टाइप के सेट के आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये हमारे लॉजिक बेस्ड सेट होते हैं तो आपको अप्रोच सीखना होगा कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग